Hello everyone, my name is Madhuri. Welcome to the channel All Things Together. Guys, I'm really happy to recreating this look in Padmavati movie of Deepika Padukone, inspiring look. But before we start this makeup tutorial, just I wanted to one thing clear guys, ke main Deepika Padukone ki jaise dikhne ki koshish bilkul nahi kar rahi hu aur unki copy to bilkul bhi nahi kar rahi hu. Just it is a fun for you guys ke just एक लुक रिक्रिएट कर रही हो इन पद्मावती मूवीज़ फॉर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ और आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद दिस लुक. सो जस्ट इट इज़ फन बिकॉज आई एम रियली हैप्पी द वे आई एम लुकिंग एंड आई लव माई सेल्फ. सो आई जस्ट डोंट वॉन्टेड टू कॉपी अदर पर्सन. ये लुक जो मैं क्रिएट किया है वो बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किया है गाइज. दिस इज़ माई ओन वे टू रिक्रिएट दिस लुक. आई होप यू विल एन्जॉय दिस लुक एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. प्लीज गर्ल्स टेल मी दैट विच एक्ट्रेस यू वॉन्टेड टू मी टू रिक्रिएट दैट लुक. सो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट टाइप ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल. If you like this video, then please like, share and subscribe my channel. It means a lot to me guys, and don't forget to hit that bell icon so you will never miss out my. If you're interested to watch this video, then please keep on watching. सनस्क्रीन पहले से ही लगाया हुआ है गाइस. आफ्टर दैट मैं निविया आफ्टर शेव बाम लेके मेरे फेस को प्राइम कर लूंगी फॉर दी लास्ट लॉन्ग मेकअप. ये लुक जो है आप कोई भी ट्रेडिशनल डे होगा या फैंसी ड्रेस होगा यूज़ कर सकते हो. आफ्टर दैट मैं स्टार का ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ फॉर हाइडिंग माई डार्क सर्कल्स ऑन माई फेस और एनी पिगमेंटेशन ऑन माई फेस, और अच्छी तरह से मैं वो ब्लेंड कर लूँगी. ऑरेंज करेक्टर ब्लेंड करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करना है, क्योंकि अगर उसके पहले आप करोगे तो वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकता है. सो इस केस में आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि ब्यूटी ब्लेंडर ही फाउंडेशन के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्रश यूज़ करेंगे कि तो हो जाएगा इसके लिए. उसके बाद मैं ओलिविया पेन स्टिक लेके डॉट डॉट मोशन में ऑल ओवर फेस लगा दूँगी. गाइज अगर आप खींच के लगाएंगे ये प्रोडक्ट तो बहुत पैचिनेस दे सकता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही क्रीमी सॉर्ट ऑफ है. तो बहुत ही लाइट हैंडेड आपको यूज़ करना है. थोड़ा सा आई भी उसके बाद मैं इराया स्किन टॉनिक से मेरा ब्यूटी ब्लेंडर वेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ. अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्टली आपके ब्यूटी ब्लेंडर को नॉर्मल वाटर से वेट कर सकते हैं. हाईलाइट और कंट्रोल करने के लिए मैं CL का चिजल करेक्टिव पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मेरा शेड है गाइस 03. ये बहुत ही अच्छा विल है और अफोर्डेबल भी है. मैं ये दो शेड यूज़ कर रही हूँ मेरे हाईलाइटिंग पोर्शन के लिए, जो कि अंडर आइज, मेरे ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड और चिन के लिए, क्योंकि इसमें येलो अंडरटोन है गाइस, तो मेरे अंडर आइज को ये बहुत ही ब्राइटन अप करेगा. सो इट विल वेरी वेरी वेल वर्क ऑन माय अंडर आइज एरिया. सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस शेड, क्योंकि मैंने देखा दीपिका पादुकोण हैज़ वेरी ब्राइटन अप अंडर एरिया. सो आई जस्ट गो फॉर दिस पैलेट. उसके बाद मैं इस पैलेट में से ब्राउन शेड लेके मेरे चिक को कंट्रोल करूँगी और जस्ट जॉ लाइन. दीपिका पादुकोण हैज़ वेरी स्मॉल चीक्स, बट मेरे नहीं है, मेरे बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू कट माई चीक्स और थोड़ा सा नोज़ को भी मैं कंट्रोल कर लूँगी. तो दीपिका पादुकोण हैज़ वेरी शार्प नोज़, सो जस्ट आई विल ट्राई फॉर दैट. मेरे ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मेरे हाईलाइटिंग पार्ट को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. मेक श्योर आपको इसको खींचना नहीं है, जस्ट डैबिंग मोशन में ही ब्लेंड करना है. हाइलाइटिंग कंसीलर है वो येलो अंडरटोन में है. सो आपको ऐसे कैमरा भी लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया है, लेकिन ये येलो अंडरटोन में है तो इसके लिए ज़्यादा ब्राइटन अप लग रहा है. बट वंस यू ब्लेंड वेल सो इट विल बी सॉर्टेड आउट एंड सेटल. अब बारी है एक ब्रश के हेल्प से हमारे कंटूर को ब्लेंड करने की. मैं जस्ट मेरे चिक्स पे जो कंटूरिंग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जस्ट कंटूर करके जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ गाइस, और मेरी जॉ लाइन को भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि कोई हार्श लाइन ना दिखे. मेरे चिक्स को थोड़ा सा स्मॉलर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ.
because of recreating this look. इसी शेड में से ब्राउन शेड लेके मेरे नोज को वंस अगेन थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ और हाईलाइटिंग शेड लेके मेरे ब्रिज ऑफ द नोज में हाईलाइट कर रही हूँ और टिप ऑफ माय नोज बिकॉज ऑफ द शार्पनेस ऑफ नोज. मुझे थोड़ा सा शार्पन अप चाहिए मेरा नोज क्योंकि दीपिका पादुकोण हैज वेरी गुड शार्प नोज. और मेरे फिंगर के हेल्प से मैं जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ मेरे हाईलाइटिंग पार्ट और कंटोरिंग पार्ट. हॉलोज ऑफ चीक पे मैंने जो कंटूर किया था उसे थोड़ा और शार्पन अप बनाने के लिए मैं मेरे कंटूर के नीचे मेरा हाइलाइटिंग शेड यूज़ कर रही हूँ और उसे एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी जस्ट हाइलाइटिंग पार्ट. और जहाँ पे आपने कंटूर किया है उस एरिया को मत ब्लेंड कीजिए, जस्ट मेरे ब्रश के हेल्प से जस्ट मेरा हाईलाइटिंग पार्ट जो भी है वो जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ फॉर टू शार्पन अप माई चीक्स. यू कैन सी द डिफरेंस. मेरे फैशन कलर कॉम्पैक्ट पाउडर से मेरा हाइलाइटिंग पार्ट सेट कर रही हूँ जस्ट हाइलाइटिंग पार्ट एंड ब्रिज ऑफ माय नोज जहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया है वो पार्ट. तो बाकी ब्राउन कलर की आई शेडो लेके मेरे जो कंटूर एरिया है वो सेट करूँगी जस्ट टू डिफाइन मोर एलिगेंट लुक. जहाँ पे भी मैंने कंटूर किया है उस एरिया को मैं सेट कर रही हूँ यूजिंग द ब्राउन कलर आई शेडो. और इट्स सच अ गुड आई शेडो. एक्चुअली दिस इज़ द आई शेडो बट आई एम यूजिंग फॉर कंटूरिंग फॉर आई शेडो एंड सो मेनी ऑफ रीजन क्योंकि उसका जो पिगमेंट है बहुत ही अच्छा है. जब भी आप क्रीम का कंटूर करो या कोई भी क्रीम को यूज़ करो तो ज़रूर आप उसे पाउडर से सेट करें क्योंकि वो जो क्रीम का प्रोडक्ट है वो मेल्ट हो सकता है. सो हल्के हाथों से मेरे नोज़ को भी मैं कंटूर कर रही हूँ और मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से मैं जस्ट ब्रिज ऑफ द नोज़ जस्ट हल्का सा हाईलाइट कर रही हूँ फॉर दी शार्पनेस. उसके बाद मैं स्टार का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दीपिका पादुकोण हैज़ वेरी ब्रॉन्जी सॉर्ट ऑफ लुक इन दिस पद्मावती मूवी. सो आई जस्ट गोइंग अगेन विद अ ब्राउन कलर ब्रॉन्जर. दिस इज़ अ शिमरी ब्रॉन्जर एंड गुड पिगमेंटेड. मैक का ब्लश यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ अ कोरली सॉर्ट ऑफ ब्लश और दिस इज़ अ ड्यूप. दिस इज़ नॉट रियल मैक. एंड जस्ट मेरे एपल ऑफ चीक पे मैं जस्ट हल्के हाथों से प्रेस करूँगी क्योंकि दीपिका आई डोंट थिंक सो शी हैज़ वेयर एनी ब्लश. फॉर डिफाइन माई आईब्रोज आई एम टेकिंग एडीएस आईब्रो केक इन द शेड ब्लैक यूनिब्रो आईब्रो पैटर्न. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे आईब्रो जैसे ड्रॉ करती हूँ वैसे ही कर लूँगी और थोड़ा सा कॉर्नर पर लिफ्ट करूँगी क्योंकि शी हैज़ वेरी लिफ्टेड आईब्रो. एंड थोड़ा सा नीचे जो है वो जस्ट स्ट्रेच करूँगी हल्के हल्के हाथों से स्ट्रोक देके मेरे आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ फॉर द मोर इंटेंस लुक. कैन सी द डिफरेंस. अभी टाइम है यूनिब्रो पैटर्न ड्रॉ करने की. आई एम जस्ट ट्राइंग माई सेल्फ बेस्ट कि अच्छे तरीके से हो जाए. मैं हल्के हाथों से जस्ट वो ब्लैक शेड लेके थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से स्ट्रोक देते हुए ये पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ फॉर द स्ट्रोक ऑफ डाउन अपवर्ड्स. जस्ट हल्के हल्के हाथों से. आपके ब्रश पे कोई प्रोडक्ट अगर ना हो तो भी चलेगा लेकिन आपको बहुत ही स्मूथ एंड लाइट हैंडेड हाथों से ही ये ड्रॉ करना है.
एंड लुकिंग वियर्ड। मेरे बेनिफिट मस्करा से जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक देते हुए मेरे यूनिब्रोज के हेल्यूजन को क्रिएट कर रही हूँ और मैं मेरे बाकी के आईब्रो को भी कोम कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसमें मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया है। मेरे स्मॉल एंगुलर ब्रश के हेल्प से मिस क्लियर की रेड आई शेडो लेके मेरे क्रीज लाइन के ऊपर जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ हल्के हाथों से। ज़्यादा प्रोडक्ट पे काम नहीं करना है, बहुत ही लाइट हैंडेड, बहुत ही लेस प्रोडक्ट में काम करना है गाइस। रेड टोन को थोड़ा सा सेटल करने के लिए मैं मेरी चौबा की ब्राउन कलर की आई शेडो मेरे क्रीज लाइन के ऊपर लगा रही हूँ। थोड़ा सा क्रीज लाइन से ऊपर जा रही हूँ फॉर दी फुलर आई इफेक्ट। मेरी ब्रश के हेल्प से मैं जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ, जो कि मैंने बहुत ही क्लीन ब्रश लिया है, और मेरे फिंगर के हेल्प से जस्ट आईलिड पे प्रेस कर रही हूँ। एडियस का ब्राउन जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्राउन कलर का जेल आईलाइनर जस्ट रफली ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हमें उसके बाद थोड़ा सा स्मज ही करना है, सो इट इज़ नीड नॉट टू बी परफेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट है इसमें, तो मैं जस्ट इसे स्मोकी आई का थोड़ा सा लुक दे रही हूँ। उसके बाद ब्लैक जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ फॉर दी मोर इंटेंस लुक। मैं कोई ड्रामेस्टिक विंग आईलाइनर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि शी हैज़ वेरी सिंपल आई मेकअप इन दिस मूवी। जस्ट हल्का सा लाइट विंग ड्रॉ करूँगी जो कि दिख के भी ना आए। थोड़ा सा शार्पन अप करने के लिए मेरे आईज़ को, दैट्स इट। और इसे मैं नहीं स्मज करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने ब्राउन कलर का जेल आईलाइनर स्मज किया हुआ है। तो काजल के लिए मैं यूज़ करी हूँ डायना ऑफ लंदन का काजल। मैं मेरे लोवर वाटर लाइन को भी और अपर वाटर लाइन को भी ये काजल यूज़ करूँगी। मेरी जो लोअर वाटर लाइन है उसको हाफ ही लगा रही हूँ मैं। तो मेरे ब्रश के हेल्प से ये काजल थोड़ा सा स्मज करूँगी। उसके बाद मैं ये चोबा की ब्राउन कलर की आई शेडो लेके जो स्मज कर रही हूँ मेरे लोअर लैश लाइन में, जस्ट टू इंटेंसीफाई माई लुक मोर। तो हाईलाइटिंग में मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ मेरे ब्रोबोन को हाईलाइट करने के लिए, मेरे नोज़ और चीक्स के लिए, क्योंकि दीपिका पदुकोन हैज़ वेरी मैटिफाइंग लुक, सो आई डोंट वॉन्टेड टू अप्लाई हाईलाइटर। फॉर लिपस्टिक में दो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, सुरभि और एडीएस का लिप ग्लॉस है। सुरभि का अभी मैं जस्ट फर्स्ट शेड लगा रही हूँ, नंबर 51, ये कुछ मर्ड कलर है। और आफ्टर दैट मैं मेरा एडीएस का 16 नंबर का लिप ग्लॉस यूज़ करी, वो न्यूरिश कलर है पिंक। सो दोनों लिपस्टिक लगा के मुझे मेरा सेटिस्फाइंग शेड मिलेगा, सो आई एम अप्लाइंग बोथ कलर। पिंक कलर के रेड मैट लिपस्टिक यूज़ करी हूँ फॉर बिंदी। मैं मेरे टीयर डक एरिया में भी वही सेम कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ फॉर दी ब्राइटनिंग इफेक्ट। मेरा काइली का कोको मस्करा यूज़ करी, काइली जो मैंने 300 रुपीज़ में कुछ ख़रीदा था इसको, मैं अच्छे तरीके से 2-3 कोट मेरे लोअर और अपर लैश लाइन को लगा दूंगी। दीपिका पदुकोन एज नॉट अप्लाई एनी फॉल्स लैशेज आई थॉट, सो आई जस्ट वांटेड टू गो विथ मस्करा ओनली। हमारा मेकअप लुक तो कम्प्लीट हो गया है गाइज, लेकिन अभी टाइम है हमारी ज्वेलरी पहनने का। इस लुक का उठाव है जो हमारी ज्वेलरी और कपड़ों पर ही है। मेकअप लुक गॉडी है लेकिन सिंपल है। कंगन में पहने हुए मेरे ऑल टाइम फेवरेट है गाइस। महारानी पद्मावती अभी उनका हार पहन रही है। जोक्स अपार्ट, अभी मैं मेरा मांग टीका पहन रही हूँ। गाइस, आई हैव फिनिश्ड माय पद्मावती मूवी इंस्पायरिंग दीपिका पदुकोन्स लुक। महारानी पद्मावती की जय हो, महारानी पद्मावती की जय हो। रियली हैविंग फन विद दिस, रियली जोक्स अपार्ट गाइस, बट really I just very enjoyed a lot while creating this look. I hope you guys loved it very much, and if you like this video then please like, share and subscribe. Please comment कीजिए कि ये आपको look कैसा लगा। I just create in my own way. अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो please like, share and subscribe करना मत भूलना। Till then take care, bye.